हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको IRCTC ऐप, जो कि इंडियन रेलवे का टिकट बुकिंग ऐप है, उस पर तत्काल टिकट कैसे बुक करते हैं उसको हम लाइव बुक करके आपको दिखाएंगे। तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो पहले से ही पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो तत्काल टिकट है वह एक दिन पहले ही बुक होता है। जैसे कि यदि आपको 10 तारीख को जर्नी करनी है तो आपको 9 तारीख को ही टिकट बुक करनी पड़ेगी। और टिकट का जो टाइमिंग है, यदि आप AC यानी कि फर्स्ट AC, सेकेंड AC और थर्ड AC की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको सुबह 10 बजे इंडियन टाइम पर टिकट बुक करना होगा। और यदि आप स्लीपर पर बुक करना चाहते हैं तो आपको 11 बजे के टाइम पर बुक करना होगा। तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको पैसेंजर का नाम और उसकी उम्र पता होनी चाहिए। टिकट बुकिंग करते समय आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छा होना चाहिए और उस समय वेबसाइट थोड़ा स्लो चलती है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको आराम से धीरे धीरे करना है और आपको टाइम पर ही टिकट को बुक करना है। तो चलिए हम आपको आज एक स्लीपर क्लास की टिकट को बुक करके दिखाते हैं। जैसा कि अभी टाइम 11 बज चुके हैं तो हम तुरंत ही इसमें बुकिंग के लिए जाएंगे। एप्लीकेशन में जाने के बाद हम अपना पिन और कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद ऊपर फ्रॉम में जिस स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़नी होती है उसको डालते हैं और टू में जहां हमें जाना होता है वहां पर डालेंगे। और यहां से डेट चूज करके यहां से हम तत्काल टिकट को चूज करेंगे। इसको चूज करने के बाद सर्च ट्रेन्स करेंगे तो सारी ट्रेनें खुल के आ जाती हैं। इसमें से जैसा कि मुझे प्रयागराज एक्सप्रेस से जाना है तो मैं इसका टिकट चेक करता हूँ। इसमें अवेलेबल सीटें 204 हैं, तो आइए हम इसमें ऐड न्यू करते हैं। इसमें आप पैसेंजर का नाम और उसकी उम्र डालते हैं और नीचे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद पेमेंट के लिए ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यहां से भीम UPI या क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो आइए हम आपको UPI से पेमेंट करके दिखाते हैं। IRCTC ऐप से बुकिंग करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि यदि आपको पेमेंट करनी है तो आप किसी दूसरे के फ़ोन से पेमेंट करें, क्योंकि अगर आप सेम फ़ोन से पेमेंट करेंगे तो यह पेज कट हो जाता है और आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका टिकट आसानी से बुक हो जाएगा। इसे आप PDF के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यह आपके जीमेल और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज के द्वारा चला जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।